हेलो स्टूडेंट, टुडे आई विल डिस्कस 13.3 एक्सरसाइज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज अ शोपीस इज मार्केट प्राइस रुपीज 1100 एक्सक्लूडिंग जीएसटी इन अ शॉप. हाउ मच विल द कस्टमर पे फॉर द शोपीस इंक्लूडिंग जीएसटी इफ रेट ऑफ जीएसटी ऑन शो पीस इज 28%. ओके, यानी शॉप पर जो शो पीस है उसका प्राइस है 1100 रुपीस. अभी हमने उसमें जीएसटी ऐड नहीं किया. जब हम परचेज करने के लिए जाते हैं शॉप पर, तो आपने देखा होगा उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है. एक सेंट्रल के लिए जाता है जीएसटी और एक स्टेट के लिए, दोनों 50-50% होते हैं. ओके, तो उसमें अगर हम जीएसटी इंक्लूड करते हैं, 28% जीएसटी अगर हम इस अमाउंट पर पे करते हैं, तो हम टोटल कितना अमाउंट का शोपीस परचेस करेंगे. ओके, तो हम वही कैलकुलेट करेंगे. अब यहाँ पर मार्क प्राइस एमपी ऑफ शोपीस इज इक्वल टू 1100, यानी रुपीस 1100 का मार्क प्राइस है इसका. ओके, अब हमें इस पर 28% कैलकुलेट करना है. नाउ 28% ऑफ रुपीस 1100, हमें ये देखना है कि 28% कितना होता है 1100 रुपीस का. तो अब हम यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करते हैं. तो 28% को आप नोट करेंगे, 28 अपॉन 100 इंटू 1100 कैंसिल. 28 से 11 में मल्टीप्लाई करेंगे, 11 8 22 और 8 30, यानी आपका 28% कितना हो गया, 308 रुपीस हो गया आपका 28%. इसको आपको नोट कैसे करना है, कैसे हम इन्फॉर्म करेंगे इसके लिए, कॉस्ट पेड बाय कस्टमर. कस्टमर कैसे पेड करता है वो हम देखते हैं. यहाँ पर हो गया आपका मार्क प्राइस, यानी जो आपका ओरिजिनल प्राइस है शॉप पर वो लिख दिया हमने, प्लस CGST. आपके पास कितना है ये 28%. 28% का 15%, 50% कितना होता है 14, डिवाइड बाय 2, यानी 50% होता है आपका CGST और 50% होता है हमारा SGST. यानी आपके पास सेंट्रल का गुड सर्विस टैक्स है और स्टेट का गुड सर्विस टैक्स है 50-50%. ओके, और उसका टोटल हो गया 28% जीएसटी. ओके, तो यहाँ पर CGST एट द रेट ऑफ 14%. ओके, प्लस आपके पास हो गया SGST एट द रेट 14%. टोटल मिलाकर हमारा हो गया 28%. ठीक है, 50-50% कर दिया हमने, ये हो गया. टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास 1100, और हमने 28% कितना निकाला 308. अब 308 का जब आप 50% करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 2 से डिवाइड करते हैं 154, यानी 14%. 28 का 14% कितना होगा, यानी जस्ट हाफ होगा. तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस रुपीस 154. CGST 154 दिया, स्टेट को कितना दिया, स्टेट को भी हमने सेम अमाउंट दिया 154. ये आपको बिल्कुल ऐसे ही नोट करके बताना है, क्योंकि जब हम बिल लेते हैं ना किसी शॉप पर, वहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरीके से कैलकुलेशन होती है. टोटल अमाउंट, सॉरी, आपका क्या अमाउंट है उस पीस का, फिर उस पर कितना CGST लगा 14%, कितना SGST लगा वो 14%, हमने सबका कैलकुलेशन किया, हमने सबको प्लस किया, तो प्लस करके क्या आया, 4 + 4 8, 5 और 5 10, 1 1 2 3 4, और ये हो गया आपके पास 1400
₹8 का हम टोटल शोपीस परचेज करेंगे अगर हम उस पर 28% का GST देते हैं तो। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगर आपको प्लस करने में डाउट हो रहा है तो आप करके देख सकते हैं साइड में 1100, 154 और यहाँ पर अगेन 154, 8, 5 और 5, 10, 141, ये आ गया आपका 1408 आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, फिल इन द ब्लैंक्स इन बॉक्सेस इन द फॉलोइंग बिल्स। यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट दिया हुआ है, जो अमाउंट अभी हम निकाल रहे थे फर्स्ट इससे पहले क्वेश्चन में 6th में, वो अमाउंट यहाँ पर गिवन है आपको 1000 रुपीज़। CGST 6% कितना होगा और यहाँ पर SGST कितना होगा आपके पास में 6%, टोटल आपको गिवन है 1120 रुपीज़। ओके, तो क्लियर शो हो रहा है हमें कि टोटल अमाउंट हमने 1120 रुपीज़ पे किया किसी भी ऑब्जेक्ट का और यहाँ पर उसका जो अमाउंट था वो 1000 रुपीज़ था, यानी 120 रुपीज़ हमने GST पे किया और GST कितना दिया हमने 6+6 12% का GST दिया, क्योंकि अभी आपको बताया था जो भी हम GST देते हैं उसका 50% होता है CGST और 50% होता है SGST। ओके, तो यहाँ पर हम निकालेंगे 1000 रुपीज़ का 6%, शॉर्टकट भी है थोड़ा सा क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स करना है तो बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे पास में, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। CGST निकालने के लिए टोटल आपके पास कितना है 1000 रुपीज़ और इसका जब आप 6% निकालेंगे तो ये हो गया आपके पास 6/100, तो कितना हो गया अमाउंट 60 रुपीज़। क्या सेम ये नहीं होगा आपके पास में SGST? ये भी आपका बिल्कुल सेम होगा, दोनों इक्वल है 6-6%, तो आपके पास 60 रुपीज़ ये हो गया और 60 रुपीज़ ये हो गया, दोनों को प्लस करो 120 में 1000 प्लस करेंगे तो आंसर आपका मैच हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अमाउंट आपको नहीं पता, हमें पता ही नहीं है कि हम वो जो हमने ऑब्जेक्ट देखा उसकी वैल्यू क्या है, लेकिन उस पर हमने 9% का CGST दिया और 9% का SGST दिया, यानी 9 रुपीज़ 9 रुपीज़ 18 रुपीज़ का हमने GST पे कर दिया और टोटल अमाउंट कितना दिया हमने 118 रुपीज़। तो वो ऑब्जेक्ट जो हमने देखा था वो कितने रुपीज़ का था, ठीक है, तो ये दोनों का टोटल होता है GST, इसको हम GST बोलते हैं। GST कितना हुआ आपका 18%, तो हमें निकालना है अमाउंट। अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल में से GST माइनस कर देंगे। टोटल कितना है आपके पास में 118 और GST दोनों का अमाउंट प्लस करते हैं तो 9+9 18, यानी हमारा अमाउंट कितना हो गया ₹100, इसमें भी रुपीज़ लिख देते हैं और इसमें भी, तो हमारा जो पहला नंबर था कि अमाउंट कितना था, उस ऑब्जेक्ट का प्राइस कितना था, वो हमने बता दिया 100 रुपीज़। ओके, तो दोनों क्वेश्चंस बहुत इजी थे, आप नोट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट पार्ट सी, अमाउंट गिवन है बट यहाँ पर आपको ये नहीं पता कि CGST कितने परसेंट हमने 121.50 रुपीज़ पे की, पे हो गया लेकिन ये नहीं पता कितना परसेंट है वो, तो यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स लिखा है तो ये आपको बताना है कितने परसेंट होता है 1350 का 121.50 पैसा। ओके, कितना परसेंट है ये CGST में भी और SGST में भी, और आपको टोटल अमाउंट यहाँ पर गिवन है 1593 रुपीज़ टोटल अमाउंट, ये आपका हमने पूरा GST पे करके ये दिया, तो हम क्या बताएंगे परसेंटेज ऑफ CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू कितना पे किया हमने 121.50, ये हमने अमाउंट पे किया था, कितने परसेंट वो नहीं पता पर हमने CGST इतने रुपीस पे कर दिया। ओके,
किस रुपए का है ये अमाउंट? 1350 रुपीस का है, 1350 रुपीस का अमाउंट था और मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 से. ओके मिनट, ओके ये हमने फॉर्मूला यूज़ किया कि CGST और SGST में हमें परसेंटेज बतानी है. परसेंटेज ऑफ कितना पे किया था CGST? 121.5. कितने रुपीस का है ये? 1350 रुपीस का है. परसेंटेज में कैलकुलेट करना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई. ओके यहाँ से जब हम डेसिमल को रिमूव करेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा. ओके जब भी हम डेसिमल के बाद काउंट करते हैं टू डिजिट है तो 100 आ गया, तो यहाँ से डेसिमल रिमूव हो गया. बहुत इजीली हो जाएगा कैलकुलेशन. अब ये 100 से 100 कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुआ. अब हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू है 1215, यानी 1215 अपॉन 135. हम अब मल्टीप्लाई कर डिवाइड करते हैं, 5 की टेबल से कट करते हैं. 5 2 10, 0 5 3 15. अब हमने इसको कट किया, 5 2 10, 5 7 35. ओके ये 9 की टेबल से देखते हैं, 27 × 9, 9 7 63, और 9 2 18, 18 में अगर हम 6 प्लस करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा. आपके पास ये हो गया 5 की टेबल से, 5 2 10, 5 4 20, मिस्टेक हो रही थी, 9 2 18, 18 में 6 प्लस करेंगे तो 243. करेक्ट, डिवाइड रॉन्ग था. 27 से डायरेक्ट ये 9 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो आपका जो परसेंटेज आया वो कितना आया? 9. यानी ये 9% अमाउंट था इतने रुपीस का. कि हमने कैलकुलेशन भी करके देख ली और कैलकुलेशन एकदम सही है, आप भी करके देख सकते हो. कि अब ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, अमाउंट फाइंड करना है और इस अमाउंट पर हमने कितना CGST दिया? 125. तो SGST भी जो यहाँ पर 2.5 हो गया है वो भी आपके पास सेम अमाउंट होगा, क्योंकि दोनों हमेशा सेम ही होते हैं. CGST = SGST, तो अगर 125 CGST है तो आपके पास SGST भी सेम होगा. अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? टोटल अमाउंट कितना है आपके पास में? 5250 रुपीस. इसमें से हमको क्या माइनस करना है? ये दोनों, यानी 125 हो गया 250 रुपीस इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? 5000, यानी 5000 रुपीस का 2.5% 125 और 2.5% 125 रुपीस होगा. तो ये जो यहाँ पर ब्लैंक है स्पेस, इसमें हम लिख देते हैं 5000. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट ई. अमाउंट आपको गिवन है, 9% दे दिया कि CGST 9% है, बट कितना है? नो आइडिया. 9% SGST कितना है? नो आइडिया. टोटल कितना हुआ वो भी नॉलेज नहीं है. तो 9% अगर हम एक का कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास दोनों सेम ही वैल्यू आएंगी, तो हम क्या करेंगे? CGST को कैलकुलेट कर देते हैं, एक ही बात है. ओके SGST इज इक्वल टू 1999. ओके 19,999 रुपीज़ का 9% कितना होगा? 9/100. मल्टीप्लाई करते हैं, कोई मिस्टेक नहीं हो इसलिए. 9 9 81 8 9 9 81 81 में आप 8 प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 89 नंबर. फिर अगेन 8 9 9 81 और 8 89 9 9 81 और 8 9 8 9 1 9 और 8 70 upon 100. अब आप इसमें 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या नंबर आ जाएगा? 1799.91,
ये आ गया आपके पास सी जी एस टी और एस टी एस टी, यानी 19,999 का 9% कितना हुआ आपके पास में, ये हो गया हमारे पास में रुपीज़ 1799.91। सेम ये होगा 17.91। अब टोटल सबको प्लस कर देना है हमको यहाँ पर, तो सबको प्लस कर देते हैं 19999। और आपके पास है पॉइंट में है तो हम एक इस तरीके से लिख देते हैं 0.00.91 और 9971 91.9971 2981 8 2 9 2 30। क्या नंबर आ गया आपके पास 2358.82 रुपीस टोटल अमाउंट हमारा ये आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं 2359.82 रुपीस। ओके, यानी हमने टोटल प्लस करके आपको पूरी कैलकुलेशन समझा दी। क्वेश्चन इजी था, ज़्यादा टफ नहीं था। अब यहाँ पर तो आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, 1 लाख रुपीस है उसका कितना परसेंट 5000 होगा और 1 लाख रुपीस का 5% क्या होगा। तो एक आंसर तो हमें बहुत इजीली मिल गया, जितना सी जी एस टी होगा सेम एस जी एस टी होगा, तो अगर ये 5% है तो ये भी 5% ही होगा। कितना होगा 5000 रुपीस, तो हमारा एस जी एस टी भी कितना होगा 5000 रुपीस, क्योंकि दोनों सेम होते हैं। अब आपको इनको करना है सिर्फ प्लस के 30 30 30 तो हम सेम लिख लेते हैं 5 5 10 और यहाँ पर 0 10, यहाँ 1 और ये हो गया 1 1 1 0 0 0, ये अमाउंट आपका टोटल हो गया। ओके, तो ये जो क्वेश्चन नंबर था आपका 7th, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द मिसिंग नंबर्स इन द बॉक्सेस इन द फॉलोइंग बिल्स, ये कंप्लीट हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द कॉस्ट ऑफ मेडिसिंस इंक्लूडिंग 5% जीएसटी रुपीज 682.50 रुपीज, यानी टोटल पे कर दिया हमने 5% जीएसटी देने के बाद, जिसमें सीजीएसटी भी आ गया आपके पास और एसजीएसटी भी आ गया, वही टोटल जीएसटी होता है। ओके, व्हाट वाज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मेडिसिन बिफोर जीएसटी, अगर हम जीएसटी नहीं लगा रहे हैं तो उससे पहले इस मेडिसिन की कॉस्ट क्या थी। अगर हम 5% जीएसटी नहीं दे रहे हैं तब आपकी कॉस्ट क्या है, तो आपको अमाउंट भी नहीं पता, आपको सीजीएसटी भी नहीं पता, आपको एसजीएसटी भी नहीं पता, आपको सिर्फ टोटल अमाउंट पता है, फाइनल अमाउंट। तो आप ये सारे कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ओके, तो इसका हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता देते हैं आपको, आप डायरेक्ट उसी से कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, कैलकुलेशन बिल्कुल सही होगी इसकी। टोटल अमाउंट क्या है आपके पास, ये है हमारे पास में ₹682.50, ये हमारा फाइनल है। आपने कितना जीएसटी पे किया इसमें, हमने इसमें 5% का जीएसटी पे कर दिया। अब हमारे बिफोर जीएसटी क्या प्राइस है, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल अमाउंट या एक्चुअल प्राइस, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 100 अपॉन 100 प्लस 5%। हमने जो भी अमाउंट पुट किया वो हमने 100 कैलकुलेट कर लिया कि वो 100 है, उस 100 में हमने 5% ऐड किया और हमारे पास टोटल कितना अमाउंट था, कितना पे किया हमने, 682.50 हमने पे कर दिया। अब हम बताते हैं इसमें, इसमें मैंने पूरा कैलकुलेशन कर दिया आपका जीएसटी का, सॉरी 5% नहीं 5। अब आपको ये कैलकुलेट करना है, यहाँ से अगर हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 100, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है,
100 से पूरा 100 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल नहीं करेंगे हम, क्योंकि इसमें 5 ऐड हो रहा है, तो ये हो जाएगा 68250/105। ओके, अब हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 5 18 हो गया, 5 3 15 3 हो गया, 2 5 6 30 5 5 25 0। इसको कट करते हैं, 5 2 10 और 1, 3 से कैंसिल करते हैं, 3 4 12 15, 3 5 15 अगेन 3 5 15 0 और 3 7 21। अब 7 की टेबल से डिवाइड करके देखते हैं 4 5 5 0 को, 6 3 5 वाह पूरा कैंसिल, कितना आ गया 650। तो यानी सॉरी, अगर हम GST नहीं पे कर रहे थे, 5% की GST नहीं पे की थी, तो आपका टोटल कितना था, वो आपका सॉरी मेडिसिन कितने की थी आपकी, 650 रुपीज़ की मेडिसिन थी जिस पर हमने 5% GST दिया, तो वो हो गई आपके पास 682.50 की। ओके, क्वेश्चन में आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो मैंने आपको ये बताया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, द कॉस्ट ऑफ शैम्पू बॉटल बिफोर GST एंड आफ्टर GST। अगर हम GST पे नहीं करते हैं तो उसकी कॉस्ट थी 300, GST पे कर दिया तो कॉस्ट हो गई 336 रुपीज़। सॉरी, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ GST टेकन ऑन द शैम्पू बॉटल, यानी उसने कहा है जो भी GST हमने लगाई है वो हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करके बतानी है कितनी होगी GST आपकी। ओके, तो हमारा एक्चुअल अमाउंट कितना था, बॉटल कितने की थी पहले आपके पास में, 300 रुपीज़ की बॉटल थी। टोटल अमाउंट कितना पे किया हमने GST के बाद में, 336 किया, यही किया हमने टोटल के। GST कितना दिया हमने, अमाउंट टोटल में से जो एक्चुअल अमाउंट था वो माइनस करेंगे, तभी आइडिया होगा कि आपने कितना अमाउंट उसको GST में दिया, 36 रुपीज़ हमने GST दिया। क्लियर शो हो रहा है, और हमारा फॉर्मूला भी यही है कि हमने पहले बॉटल देखी थी 300 की, जब बिल बना तो GST लग गया 36 रुपये, तो बॉटल हो गई 336 की। अब 36 को आपको परसेंटेज में बताना है कि कितने परसेंट हमने GST 300 रुपीज़ की बॉटल पर दिया। ओके, तो क्या फॉर्मूला लगेगा आपका, 36 जो आपका GST था, टोटल अमाउंट कितना था बॉटल का 300 रुपीज़, और आपने 100 रुपीज़ से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हम परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे, कैंसिल, 3 से 36 डिवाइड करेंगे, 36/3, तो क्या नंबर आएगा आपके पास, 12, यानी 300 रुपीज़ की बॉटल पर हमने 12% का GST पे किया जो 36 रुपीज़ होता है। ओके, क्वेश्चन बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इज द बिल फॉर अ मैट्रेस व्हेन परचेस्ड बाय अ शॉपकीपर फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर एंड व्हेन सोल्ड बाय द शॉपकीपर टू अ कस्टमर एज फॉलोज। ओके, मैट्रेस परचेज किया शॉपकीपर ने डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से, कि तो कितने रुपीज़ का परचेज किया, 7000 रुपीज़ का, जिसमें उसने CGST दिया 630 रुपीज़, परसेंटेज नहीं बताया कितना परसेंट उसने CGST दिया, SGST भी उसने सेम ही दिया 630, तो टोटल जो मैट्रेस था उसने डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरर से ख़रीदा था वो हो गया आपके पास में 8260 रुपीज़, ये शॉपकीपर ने अपनी शॉप पर रख लिया 7000 का, और इतना सब उसने उसको पे किया, तो उसको वो मैट्रेस पड़ा 8260 रुपीज़ में उसने मैन्युफैक्चरर से परचेज किया। अब शॉप पर आने के बाद कस्टमर के पास जाएगा, तो कस्टमर को उसने किसकी कैलकुलेशन दी, अमाउंट तो उसने वही रखा 7000, लेकिन उस पर 9% का उसने CGST लगा दिया और 9% का SGST, यानी टोटल उसने 18% का आपको GST देना होगा उसको।
ओके, तो हमने उसको दिया 11,800 रुपीस का, हमने शॉपकीपर से परचेज किया, कस्टमर ने यानी हमने, ओके। अब उसने कुछ क्वेश्चंस पुट अप किए हैं जिसके आंसर आपको देने हैं। द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू मैन्युफैक्चरर, कितना जीएसटी पेड किया शॉपकीपर ने मैन्युफैक्चरर को, तो कितना जीएसटी पे किया, 630 प्लस 630 रुपीस, हम यहाँ लिख देते हैं रुपीस 630 प्लस 630 रुपीस, यानी कितना हो गया आपके पास में ये 1260 रुपीस आपका उसने पे किया। ओके, द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय कस्टमर टू शॉपकीपर, कस्टमर ने शॉपकीपर को कितना जीएसटी पे किया, 900 प्लस 900 यानी रुपीस 900 प्लस रुपीस 900, कितना पे किया उसने कस्टमर ने शॉपकीपर को, 1800 रुपीस पे किया। दो आंसर आपको इजीली मिल गए। द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड शॉपकीपर टू गवर्नमेंट, शॉपकीपर ने गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे किया, वो भी तो कुछ करेगा, तो उसने कितना लिया आपसे, 1800 रुपीस लिया शॉपकीपर ने किससे, कस्टमर से, और उसने मैन्युफैक्चर को कितना दिया, 1260 रुपीस, माइनस कर दिया, उसने पे किया 540 रुपीस, वो गवर्नमेंट को पे करेगा। ओके, उसने गवर्नमेंट को कितना पे किया, 540 रुपीस। तो ये हो गए आपके 3 आंसर्स क्वेश्चन नंबर 10 के। ओके, आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और क्लियर भी हो गए होंगे क्वेश्चन। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितने भी आपके वीडियोस हैं मेरे, सॉरी, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और क्वेश्चंस आपको कैसे समझ आए। ओके, थैंक यू सो मच।